सो हे ऑल, दिस इज विकास शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने चैनल पे जब आपके 100 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो आपको एक सेटिंग इनेबल हो जाती है आपकी, जो आपको करनी बहुत ज़रूरी होती है। और आपसे ये जो सेटिंग होती है ये आपके चैनल को, मतलब आपका जो नाम सर्च होता है उसकी इंप्रूवमेंट आती है। मतलब अगर कोई आपके नाम को सर्च करेगा तो उससे आपके चैनल का नाम ज़्यादा तेज़ी से सर्च होने लग जाएगा। लेकिन ये जो सेटिंग होती है आफ्टर 100 सब्सक्राइबर के बाद ही होती है, इसीलिए आपने जो थंबनेल में देखा होगा कि ये वो सेटिंग है जो आपको ठीक जैसे आपके 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे वैसे ही आपने इस सेटिंग को इनेबल कर देना है और ये बहुत जरूरी सेटिंग है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पे कि कैसे आपको देखना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे मेरे 164 सब्सक्राइबर हो गए हैं और अभी रिसेंट मेरे सब्सक्राइबर थोड़ा तेजी से बढ़े हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये डैशबोर्ड है, कंटेंट बोर्ड है। जिन लोगों को भी ये, मतलब जिन्होंने यूट्यूब पे काम कर रहे हैं उनको ये पता होगा कि कैसे काम करता है। यहां पर आपको जाना है कस्टमाइजेशन पे, आपको जाना है। जैसे आप कस्टमाइजेशन पे जाएंगे तो आप यहां पर चैनल में जैसे ट्रेलर लगाना, आपने देखा होगा बहुत सारे चैनलों के सामने एक वीडियो आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसी को आपको चला के दिखा देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि ये वीडियो आ रही है ना, देखिए आपकी ये ट्रेलर ही हमारे चैनल की वीडियो होती है। देखो ये वाली वीडियो, तो ये जो आ रही है ये इसी से आती है, इसी सेटिंग से आती है। आप यहां पर देख सकते हैं इसको, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये देखो ये चैनल का ट्रेलर बोलते हैं इसको। अगर आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक चैनल के बारे में बताना है तो वो आप यहां पर लगा सकते हैं। अगर आप फीचर वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर को कुछ दिखाना चाहते हो तो आप ये लगा सकते हो। साथ ही साथ यहाँ ब्रांडिंग की सेटिंग है जहां पर अपना लोगो, कवर फोटो और अपना वाटरमार्क लगा सकते हो फॉर एवरी वीडियो। नाउ यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो देखो जैसे मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई है कुछ, लेकिन अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख देनी चाहिए। मैंने स्टार्टिंग से नहीं लिखी बिकॉज मैंने चैनल पर अभी ही काम करना स्टार्ट किया, लेकिन लिखना चाहिए। मेरा व्लॉगिंग का है तो देहरादून वाला के नाम से मैं इसमें लिखूंगा, तो देहरादून में मतलब व्लॉग जो है मैं नाम देहरादून वाले से करूंगा, लेकिन पूरा जहां तक मैं जाऊँगा जब जब मैं जहाँ विजिट करूंगा उस चीज़ों के बारे में लिखा है। लेकिन जो जरूरी चीज़ है मैं आपको बताने वाला हूँ ये है यहाँ पर चैनल URL। तो 100 सब्सक्राइबर जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको चैनल URL रखने की एक क्या मिल जाती है, अथॉरिटी मिल जाती है और आप इस चैनल के URL को सेटअप कर सकते हो। तो सेट एज अ कस्टम URL में हम जाएंगे, तो यहां पर देखो इसने मेरे को पहले से ही दे दिया है कि आप चाहो तो ये वाला ले सकते हो, जैसे देहरादून वाला देख रहे हैं आप। तो यहां पर जैसे इसने मुझे दे दिया, तो जैसे कि CC को नहीं चेंज कर सकते हम देहरादून वाला, तो देहरादून वाले में जाएंगे और पब्लिश कर देंगे हम। और जैसे हम पब्लिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। नाउ अगर कोई यूट्यूब पर अभी को डायरेक्टली, जैसे देखिए मैं प्राइवेट विंडो में आपको दिखाता हूं, अगर कोई डायरेक्टली भी लिखता है कि youtube.com/c/देहरादून वाला, तो सीधा सीधा वो मेरे चैनल को क्या कर देगा, लाइव कर देगा। ये देखिए, तो ये मेरे को, ये देखिए ये मेरे को पूरा क्या मिल गया है, मेरा URL भी मिल गया है। और ये देखो उसने चैनल, देखो यहाँ पे तो उसने ऐसे लिखा है लेकिन रीडायरेक्ट उसने कहाँ किया है, मेरे चैनल को किया है। तो इस URL को भी मैं क्या कर सकता हूँ, लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। ये मेरे चैनल का URL है और ये मेरा कस्टम URL हो चुका है, ये मेरा सेट हो चुका है। अगर आपको अपनी कोई वेबसाइट का लिंक लगाना है तो एड लिंक आप लगा सकते हैं। ये सेटिंग आपको पहले से भी मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो जरूरी था बताना वो ये था कि आप अपने चैनल पर कस्टम URL सेट कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर 100 सब्सक्राइबर के बाद। और आपका चैनल, जैसे ही आप इस चैनल का नाम लिखोगे तो देहरादून वाला जैसे ही मैं सर्च करूंगा, अभी देखो मेरा बिल्कुल नहीं आता है क्योंकि अभी मेरे को टाइम लगेगा ये चीजें करने में, तो ये जिसे मैं यहाँ लिखता हूँ देहरादून वाला, तो ये धीरे धीरे क्या आने लगेगा, सजेशन में आने लग जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे मेरा तो ऑलरेडी अभी यहाँ पे आ रहा है देहरादून वाला के नाम से, तो ये वाला चैनल हमारा लोगों को दिखने लग जाएगा। अभी 33 के आसपास मैंने वीडियो इसमें अपलोड कर दी है, तो आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए ताकि मैं इस चैनल को और अच्छे से ग्रो कर पाऊँ। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो आप चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देहरादून के व्लॉग्स मैं धीरे धीरे बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, क्योंकि लॉकडाउन आ गया है तो अब लॉकडाउन के बाद ही चीज़ें बनेंगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी चीज़ें आपको देहरादून की दिखा पाऊँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।